myself Vijendra Chauhan from Shri Narayan Vidyalaya Kanha, and today we are doing practice set 15 of standard 6th subject mathematics. So students, before starting practice set 15, all of you have to open your textbook and look there into the practice set 15. Second question, look here. Convert the given fractions into decimal fractions. ये जो fractions हमें दिए हैं आपके textbook में question number 2 में, इनको हमें decimal fractions में convert करना है. किन fractions में convert करना है? Decimal fractions में. अब देखिए हम इसे decimal fractions में कैसे convert करते हैं. Problem number 1, 3 upon 4. So look here, 3 upon 4. In first step, write 3 upon 4 as it is. Then, आपको ये सोचना है कि 4 को मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि नीचे या तो 10 आना चाहिए, या तो 100 आना चाहिए, या 1000 आना चाहिए, ऐसे नंबर आने चाहिए. तो हम जैसे 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से. अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से तो आंसर आता है हमारा 100. और अगर हमने डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई किया है तो हमको न्यूमरेटर को भी 25 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 25 into 3 और 3 into 25 is 75. तो देखो नीचे आ गया 100. अब सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ये 75 है और यहाँ डिनोमिनेटर में जो 100 है इसमें देखिए कितने जीरो है, 1 and 2. हाउ मेनी जीरो? 1 and 2. तो हमको इधर से दो नंबर के बाद पॉइंट देना पड़ेगा. इधर से मींस 1 2, दो जीरो है इसीलिए दो नंबर के बाद पॉइंट. सो 0.75 इज द सॉल्यूशन. या 0.75 कैसे आया? यहां दो नंबर के बाद ही पॉइंट लगा. क्यों लगा? क्योंकि यहां पर दो जीरो थे. देन लेट्स सी this problem. Four upon five. So students, five को मैं ऐसे number से multiply करूँगा कि नीचे या तो 10 आना चाहिए denominator में, या तो 100 आना चाहिए, या 1000 आना चाहिए. So सोचिए मैं five को किससे multiply करूँ जो या तो 10 मिले, या 100 मिले, या 1000. यस, अगर मैं 5 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 को जा होता है 10. डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 10. सो 4 को भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से ही. 4 टू जा 8. अब मैं यहां लिखूंगा ये 8. अब यहां कितने जीरो है? 1. तो मैं पॉइंट भी कितने नंबर के बाद लगाऊंगा? डेसिमल पॉइंट 1 नंबर के बाद. ये रहा 1 और इधर पॉइंट, नीचे 1 नंबर और ये पॉइंट, ये जीरो. दिस इज द सॉल्यूशन. देन लुक एट हियर एट दिस प्रॉब्लम. अब यहां हमको नंबर दिया है 9 upon 8. तो 8 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि हमें या तो 10 मिले, या 100 मिले, या 1000. तो 10 को हम 8 को ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 10 नहीं ला सकते हैं, 100 भी नहीं आ सकता है. हाँ, लेकिन 1000 आ सकता है. यस, इनटू 125.
अगर मैं 8 को 125 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 1000, और यहाँ मैं 9 को भी मल्टीप्लाई करूँगा 125 से। सो स्टूडेंट्स, 9 into 125 is 1125, और 8 into 125 is 1000। तो अब मैं कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाऊंगा? ये 1000 है तो 1 2 3 3 0 है, तो मैं 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाऊंगा 1 1 2 5। मैं काउंटिंग इधर से करूंगा, यूनिट्स प्लेस से 1 2 एंड 3। दिस इज द सॉल्यूशन 1.125। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर to convert the given fractions into decimal fractions. Now students, we are doing third question. Convert the decimal fractions into the common fractions. इसके पहले के क्वेश्चन में हमने क्या किए? कॉमन फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया। अब इसमें क्या करेंगे? हम डेसिमल फ्रैक्शंस को कॉमन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, पर किस तरह? देखिए, इट इज वेरी सिंपल, जस्ट आपको बोर्ड पर ध्यान देना है। देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है? 27.5, तो हमको ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हटाकर 275 लिखना है, 275, ठीक है। अब हमको काउंट करना है कितने नंबर के बाद पॉइंट है। सो ओनली वन नंबर, एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो हमको एक ही जीरो लगाना है, और यहाँ पर वन, ये हो गया आंसर। इट इज वेरी सिंपल। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ 27.5 को हमने क्या किया, सिंपली 275 लिखा, पॉइंट को हमने हटा दिया, और कितने नंबर के बाद पॉइंट था वो हमने काउंट किया, वो था सिर्फ एक नंबर के बाद, तो इसलिए हमने एक जीरो यहाँ लिखा और हमने वन लिखा। मींस ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में? 0.007। क्वेश्चन में क्या दिया है? 0.007, तो हमको सिंपली न्यूमरेटर में क्या लिखना है? 7। अब देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाया हुआ है, 1 2 एंड 3, तो हमको यहां 3 0 लगाने हैं, 1 2 एंड 3। ये जीरो इसके लिए, ये जीरो इसके लिए, ये जीरो इसके लिए, और 1। दिस इज द सॉल्यूशन। देन थर्ड प्रॉब्लम, 90.8, तो हम लिखेंगे सिंपली, क्या लिखेंगे हम यहां? 908, हमने इस डेसिमल पॉइंट को हटा दिया और सिंपली क्या लिखा हमने? 908। फिर से हम क्या करेंगे, कितने नंबर के बाद पॉइंट यहां है वो काउंट करेंगे, तो ओनली वन। तो लुक हियर, गिव ओनली 10 एंड राइट 1। दिस इज द सॉल्यूशन। In the same manner, you have to solve the remaining problems also given in your practice set 15. So, if still you have any doubt regarding this question number 2 and question number 3, you can simply ask me by making a call, or simply leave your voice message or text me on my WhatsApp. I hope you understand.